नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। कल कटिहार में आप पुलिस और ग्रामीण को द्वारा मुठभेड़ हो गई थी, जिस दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी। उसमें दो तीन लोग को गोली लगी थी, जिसमें दो की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल है। अभी भी उनका इलाज कटिहार में सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि इस पर आज पुलिस मुख्यालय में जितेंद्र सिंह गंगवार ADG मुख्यालय ने प्रेस वार्ता कर तमाम बातों पर प्रकाश डाला है। क्या कुछ कह रहे हैं ADG मुख्यालय, सुनिए। मुख्यालय से प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। सबसे पहले कटिहार जिला में बिजली विभाग के कार्यालय पर जो घटित घटना है उसके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। दिनांक 26 जुलाई अर्थात कल लगभग 12:30 बजे कटिहार जिला के बाड़सोई थाना अंतर्गत बिजली विभाग के कार्यालय पर घटित घटना में वर्तमान में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में। उग्र भीड़ में सम्मिलित एक जख्मी सोनू सा उम्र 26 वर्ष बेसिक पेशर मानिकचंद सा साकिन मौलानापुर थाना बारसोई की मृत्यु चिकित्सा के क्रम में KMCH कटिहार में होने की सूचना है। इस प्रकार इस घटना में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक अन्य मृतक का नाम मोहम्मद खुर्शीद उम्र 30 वर्ष पेशर नसीबुल हक साकन छतना थाना कचना OP बारसोई जिला कटिहार है। दोनों मृतकों का अंत परीक्षण दंडाधिकारी की उपस्थिति में कराया गया है तथा अंत परीक्षण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मोहम्मद खुर्शीद का अंतिम संस्कार हो चुका है। एक अन्य अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी शीघ्र होगी। एक अन्य जख्मी मोहम्मद नियाज उम्र 30 वर्ष पेशर नौशाद थाना आबादपुर जिला कटिहार चिकित्सारत है। घटना में उग्र भीड़ के हमले में पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मियों को भी गंभीर चोटें आईं, जिसमें 9 पुलिस कर्मी 6 बिजली विभाग के कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिसमें 1 पुलिस उपाधीक्षक 4 पुलिस अवर निरीक्षक 1 महिला दरोगा 3 सिपाही सहित कुल 9 पुलिसकर्मी और सहायक अभियंता सहित कुल 6 विभाग के बिजली विभाग के कर्मियों को चोटें हैं। इसके अलावा भी कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आने की सूचना थी। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक कटिहार को संयुक्त रूप से घटना की प्रक्रिया अनुसार विस्तृत संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस पर आगे विचार किया जाएगा। कटिहार जिला में स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है, फिर भी कल जो घटनाएं हुई थी उसमें तत्काल पुलिस मुख्यालय के स्तर से 2 कंपनी अतिरिक्त बल लाठी बल वहाँ उपलब्ध कराया गया था। 1 कंपनी बल क्षेत्रीय स्तर से भी वहाँ उपलब्ध कराया गया, जो आगामी त्यौहार के अवसर पर भी वहाँ पर कंटिन्यू करेगा। आम जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून को हाथ में नहीं लें तथा शांति बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कटिहार जिला के संबंधित ये हमारा आज का अपडेट था। हमने आपको घटना के बारे में जो जानकारी आई कल यथासंभव और यथाशीघ्र हमने उसका अपडेट दिया। आज जो हमारे पास में सूचना आई है उसके आधार पर मैं पुनः आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है और एहतियातन जो कार्रवाई करनी थी उसके बारे में आपको बता दिया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन, संयुक्त प्रतिवेदन आता है DM और SP का, वी आर वेटिंग फॉर दैट। गोली चलाने को लेकर सवाल तो हो रहा है कि गोली पैर पे भी चलाई जा सकती थी, जब तक आप किसी भी घटना के बारे में कोई भी जो बातें कह रहे हैं उसके कहने के लिए मेरे पास में ज्वाइंट रिपोर्ट आनी चाहिए DM और SP की। ज्वाइंट रिपोर्ट आएगी, उसके बारे में हम विचार करेंगे। आपको सर, ये पहले से पूरी तैयारी करके लोग आए थे, ये आपका असेसमेंट, ये आपका असेसमेंट मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ की रिपोर्ट आ जाने की हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम बातों पे उन्होंने बताया है, साफ साफ कहा है कि जो ग्रामीण थे उनमें से 2 की मृत्यु हो गई है और उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, साथ ही एक जो घायल है उसके इलाज चल रही है। वहीं साथ ही साथ कटिहार के जो जिला अधिकारी हैं और SP हैं उनको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ अभी वहाँ पर जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है।
हालांकि लगातार जो सरकार और पुलिस के बीच में समन्वय बैठाने की बात हो रही है, वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।